गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड विद मोशन। मैं हूं प्रवीण और आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है और आज हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारकंथा के लिए। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो यहां का व्यू, जो अभी मॉर्निंग का व्यू मिल रहा है, वो देखो कितना खूबसूरत है। अभी जो पीक्स हैं उस पर सनलाइट आ चुकी है और उसका नज़ारा देखो कितना खूबसूरत मिल रहा है। तो गाइस, अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो -2 डिग्री है, बहुत ही ठंडी है। यहाँ पे बोल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज हमारा जो बेस कैंप होगा ट्रैक का, वो होगा जूड़ा का तालाब। तो देखते रहो इस वीडियो को, मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि आगे का हमने ट्रैक कैसे किया है। पिछले 8-10 दिनों से यहाँ का वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। कल भी 3-4 घंटे स्नोफॉल हुआ है, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। हेलो गाइस, तो हम लोग रेडी हैं, आज हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक रैपर भी रास्ते में कहीं नहीं फेंकेगा, ठीक है? कुछ भी नया ट्रैश क्रिएट नहीं करेंगे। ओके गाइस, हमारी ब्रीफिंग हो गई, हम लोग अब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं जूड़ा लेक के लिए। तो गाइस, जूड़ा लेक यहाँ से 4 किलोमीटर है। आई होप कि 3-4 आवर्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। रुचि अकेले आ रही है, ये हमेशा ट्रैक में सबसे आगे रहती है पीछे से। तो गाइस, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सारे अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आए हैं, बट यहाँ पे मिलके ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो यही मज़ा आता है जब कोई ट्रिप पे आते हो आप, जब अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखते रहो, अगर आपको ट्रैक करना कभी लाइफ में नहीं है तो मेरा वीडियो देख लेना, आपको पूरा ट्रैक का मज़ा मिल जाएगा। इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रैक, फर्स्ट टाइम डूइंग ट्रैक। या वो बोलते ना, जिंदगी में हर एक मज़ा लेना चाहिए तो लाइफ में। हमारा मोस्ट ऑफ द लोगों का पहला ट्रैक है स्नो में। तो गाइस, यहाँ पे 2-2 फीट बर्फ जमी हुई है। आगे देखते हैं कि कितना बर्फ गिरा हुआ है। हमें देखो सबसे पीछे है और देखो अभी वो ट्रैक कर रहा है फास्ट। रुचि सबसे आगे रहती थी लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, और वो भैया गाना गाते हुए चल रहे हैं। पिछले 1 घंटे से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं पीक पे जाने के लिए। अभी आई थिंक हाफ ऑफ द जर्नी हमने कवर किया है। वो है हमारा मैगी पॉइंट, उस काले ढाबे के पास रुकना है हमें। और देखो गाइस, यहाँ से व्यू, हमें उस पीक पे जाना है अभी। तो अभी मैगी खाने के बाद आगे के लिए ट्रैक करेंगे। अभी हमने अभी अपना आधा डिस्टेंस कवर किया है जूड़ा लेक के लिए। अभी 2 किलोमीटर मोर है यहाँ से। पिछले 2 घंटे से हमने ट्रैक किया है, 2 किलोमीटर आए हैं ट्रैक करके। अभी वो टॉप पीक पे जाना है। ये वाला मैगी पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अभी ब्रेक ले रहे हैं, और यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। जब हम लोग बेस कैंप में थे तो सामने वाला जो पीक है वो बहुत हाइट पे लग रहा था, अभी हम लमसम इक्विवेलेंट पीक पे हैं। और देखो सनलाइट इतना तेज है यहाँ पे सनलाइट, और व्यू देखो कितना मज़ा आ रहा है यार। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो।
पे स्नो गिरा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं देखो फंस चुका हूँ, अंदर घुस चुका हूँ। तो 3 फीट अंदर जा चुका हूँ मैं स्नो में। अरे यार मैं 3 फीट अंदर चला गया यार। तो अभी ट्राई करते हैं निकालने का। मैं यहाँ घुस गया था अभी। सो डेंजरस। रहा सेकंड ढाबा, वहां पे 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ब्रेक लिया, मैंने मैगी खाया, उसके बाद अभी आगे के लिए ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर मोर है जूड़ा लेक, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अरुचि भी धीरे धीरे पहुँच गई है। तो चलते हैं आगे पीक पे, फिर मिलते हैं पीक पे, दिखाता हूँ वहाँ से क्या व्यू मिलता है। यहाँ पे भी कुछ लोग स्टे कर रहे हैं, देखो वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया। हमारे ग्रुप के लोग आगे चले गए, तो चलते हैं आगे। तो हम लोग अपने बेस कैंप में पहुंच गए हैं। ये हमारा बेस कैंप है आज का, और यहीं पे हम रुकेंगे। तो जूड़ा लेक यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर है पीक पे, वो शायद आज नहीं तो कल जाएंगे। तो आज का जो स्टे होगा हमारा यहाँ होगा। कैंप लग चुकी है सी, और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। तो आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो गाइज ये हमारा बेस कैंप है, और ये लोग भैया लोग टेंट लगा रहे हैं अभी। देखो कितना नीचे टेंट लगा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3 फीट नीचे तो टेंट लगाया ना भैया, 4 फीट नीचे। गाइस 4 फीट नीचे टेंट लगा, और ये हमारा टीम हिमालयन हाई। तो अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। एक्चुअली स्नोफॉल भी शुरू हो गई है, दैट्स वाई मैंने ये पोंचोस पहन लिया है ताकि कपड़े गीले ना हो। और आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि इस विंटर में केदारकंथा के ट्रैक के लिए कितना मुश्किल झेलना पड़ता है। तो हम लोगों ने अपना भी टेंट बनाया, आपने देखा होगा। और यहाँ पे अभी -3-4 डिग्री टेम्परेचर है। देखो यहाँ पे कैसा लाइफ है, कैसे लोग सरवाइव करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था कैंप लगाना, स्टे करना, फिर भी इन लोगों ने हमारे कहने पे यहाँ पे कैंप लगाया है ताकि हम पूरा मज़ा ले सकें। कल हम लोग जूड़ा तालाब जाएंगे आगे, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। और जूड़ा तालाब से फिर देखते हैं कल कि क्या होना है।
आगे समिट के लिए जा पाते हैं या नहीं, तो आप देखते रहो वीडियो को, कल मैं आपको दिखाऊंगा आगे का हमारा ट्रैक कैसा होता है। और सनी भी आ गया थोड़ा रेस्ट करके, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त हो चुके हैं। दो टेंट यहाँ पे है, तीन टेंट वहाँ है, और वहाँ पे लोग आग सेक रहे हैं अभी। देखो स्नोफॉल शुरू हो गया, तो रात को तो बहुत ज़्यादा स्नो होने वाला है यहाँ पे। हमारी टेंट भी लगता है पूरे बर्फ़ से ढक जाएगी। ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा एडवेंचर कैंप है, मेरे लाइफ का पहला ऐसा एडवेंचर ट्रैक है जहाँ पे मैं पूरा रात स्नो में गुजारूंगा। कल जिनके गांव गए थे वो खाना बना रहे हैं, तो टेस्ट अच्छा वाला मिलने वाला है। और ये रहा किचन हमारे कैंप का, मस्त किचन है। आपका नाम क्या है भैया? हरिशरण। हरिशरण, तो चलते हैं हम लोग लंच करते हैं, 4 बजने वाले हैं शायद। तो हमारा टेंट सेट हो गया है प्रॉपरली, देखो इधर हमने सारा सामान रख दिया है, और इधर अमित अपने स्लीपिंग बैग में घुस चुका है। बड़ी लाइट है, और उधर से रुचि का भी आवाज़ आ रहा है। तो गाइस अपना टेंट तैयार हो गया है, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं फिर देखते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, निकलना बिल्कुल ही मना है, और देखते हैं सुबह में। आई थिंक कि पूरा हमारा टेंट है, पूरा टेंट आई थिंक स्नो से फुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग 3 फीट नीचे हमने टेंट बनाया। आपने देखा है कि कैसे हमने स्नो हटाया यहाँ से, तो आप लोग भूल के भी यहाँ पर बताना, बच्चों का खेल नहीं है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल हमारा ट्रिप का 3रा दिन होगा, ट्रैक 3, तो कल मैं आपको दिखाता हूँ कि जूरा का तालाब कैसा है, उधर का ट्रैकिंग कैसा है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और उम्मीद उधर से आ रहा है। ये देखो फेस, देखो इस लड़के की, हमारा डिनर है, पहले पापड़ का ठंडा हो जाएगा, रोटी सब्जी अभी खाएंगे। रात में देखो कैसा लग रहा है, पूरा डार्क स्किन पहन जा रहा है।